नमस्कार मित्रों, मैं अशोक जैन मिलन अभिव्यक्ति की वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारे साथ हैं श्री महेश सेवक जी और श्रीमती तरुलता सेवक जी। आपकी शादी की 36वीं सालगिरह है आज। इस अवसर पर हम यह वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत वीडियो बना रहे हैं। श्री महेश सेवक जी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में नौकरी कार्यरत थे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं, वो रिटायरमेंट लाइफ बिता रहे हैं। लीजिए, हम आपसे दोनों से मुखातिब होते हैं। सेवक जी, आपकी शादी कब हुई थी? सर धन्यवाद, सबसे पहले तो आप पधारें और आपने ये अच्छा सा कार्यक्रम शुरू किया। मेरी शादी सर 20 जून 1983 में तरुलता से हुई। हम दोनों ही लुणावाड़ा गुजरात के एक शहर गांव के रहने वाले हैं और उसके बाद फिर इंदौर बैंक में थे तो महितपुर में हम उस समय में पोस्टेड थे। भाभी जी से पूछना चाहेंगे कि आपकी शादी अरेंज हुई थी कि लव मैरिज थी? अरेंज। तो भाव ऐसे आ रहे हैं कि हमेशा शादी में आपको लव मैरिज के हिसाब से ही दाम्पत्य जीवन आपका रहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आप लोगों के आशीर्वाद सब बड़ों के। सेवक जी हमेशा बैंक नौकरी में रहे हैं और बैंक नौकरी में हम सभी जानते हैं कि बैंक नौकरी का कार्यभार दायित्वों का बोझ इस प्रकार रहता है कि हम लोगों को समय बहुत कम मिल पाता है। तो उस अवधि में महिलाएं पूरा घर बार संभालती हैं और कई बार यह भी होता है कि पुरुष की नौकरी कहीं बाहर हो जाती है और महिलाएं घर दूसरी जगह संभालती हैं। तो हम भाभी जी से पूछना चाहेंगे कि इस संबंध में आपके क्या अनुभव रहे हैं? अच्छा रहा। आपने दायित्वों को संभाला होगा घर बार की इनकी अनुपस्थिति में, तो आपको कैसा लगता होगा उस समय, कैसे संभालना? सब अच्छा ही रहा सर। एक्चुअली ये बात आप बताइए आपकी सही है कि चूंकि मेरी भी पोस्टिंग बार बार हुई थी और दो मेरी बच्चियां हैं तो उनकी पढ़ाई और ये सब करने का तरु ने किया। और मुझे अगर आप फ्रेंकली पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं कि बच्चों की पढ़ाई, इनका करियर, इनकी नौकरी, दोनों बच्चियां सर्विस में हैं और इवन इनकी शादियों का भी टेंशन पूरा तरु ने किया। मेरा घर बना ये, उस समय भी मैं बाहर पोस्टेड था तो इस मामले में पूरा सहयोग और पूरा समर्पण मेरी वाइफ का रहा है, इसमें मेरा बहुत निग्लिजिबल रोल रहा है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि पुरुष हम लोग तो बैंक नौकरी के दायित्व संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, पर घर पूरा हम महिलाओं के भरोसे छोड़ देते हैं। और वो जो घर प्रबंधन की कला है जो सुरुचिपूर्ण तरीके से महिलाएं करती हैं, वो वास्तव में उनका कभी प्रकाश में नहीं आता, कहीं किसी के नॉलेज में नहीं आता है। तो ये वास्तव में हम भाभी जी को धन्यवाद देते हैं और वास्तव में इसकी तारीफ़ करते हैं इस बात की कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ही गृहस्थी को संभाला और सेवक जी को हमेशा इस बात से फ्री कर दिया कि आप नौकरी कीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगी। यह ऐसा कह सकते हैं ना कि ये। आप तो कमाते रहिए, खर्चे की व्यवस्था हम करते रहिए। सत्य बोल रहे सर, बिल्कुल। इस बारे में क्या ख्याल है कि आप तो कमाते रहिए? कोई आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष घटना जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे? सर ऐसा एकदम तो अच्छा रहा है अभी तक तो। इस पे बोलिए भाभी जी, अच्छा रहा, जीवन अच्छा ही रहा हमारा, जीवन अच्छा ही रहा। और आगे निश्चित ही आगे भी अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आप लोगों के सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करते हुए, बधाई देते हुए, हम आशा करते हैं कि ये हमेशा सदैव आप दोनों का दाम्पत्य बना रहे और मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, मिलन ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद।